हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट के लिए। चैप्टर जो है 6 है और चैप्टर का नाम है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वह जानवर जो धरती पर रहता है। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेनी अदर एनिमल लिव इन फॉरेस्ट, बहुत सारे जानवर जंगलों में रहते हैं। एंड ग्रेसी लैंड, और ग्रेसी लैंड मीन्स क्या होता है, घास के मैदान में। बहुत सारे जानवर जो है जंगलों में रहते हैं और घास के मैदान में रहते हैं। ठीक है, जिराफ हैव ए लॉन्ग नेक, जिराफ के पास, नेक मीन्स क्या होता है, गर्दन, जिराफ के पास एक लंबी गर्दन होती है। जिराफ हैव ए लॉन्ग नेक यानी जिराफ के पास एक लंबी गर्दन होती है। एलिफेंट हैव ए लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक, ट्रंक मीन्स क्या होता है, सूंड। एलिफेंट के पास लंबी नाक होती है जिसको हम सूंड कहते हैं। एलिफेंट के पास एक लंबी नाक होती है जिसे हम सूंड कहते हैं। दे आल्सो हैव टस्क, और उसके पास जो है बड़े बड़े दांत होते हैं। दे आल्सो हैव टस्क यानी उसके पास, टस्क मीन्स क्या होता है, बड़े बड़े दांत, उसके पास बड़े बड़े दांत होते हैं। दे आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा लैंड एनिमल, धरती का जानवर, वे धरती का सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, जिराफ एंड एलिफेंट ईट प्लांट्स, जिराफ और एलिफेंट पौधों को खाते हैं। जिराफ और एलिफेंट किसको खाते हैं, पौधों को खाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों, इनके दो बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, लंबी सूंड दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी दे आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल, धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन है, एलिफेंट। ठीक है, ये आगे आइए, हम आगे पढ़ते हैं। बियर आर ऑफ मेनी टाइप, बियर मीन्स क्या होता है, भालू, बियर मीन्स भालू होता है। बियर आर ऑफ मेनी टाइप यानी भालू कई प्रकार के होते हैं। मेनी टाइप्स मीन्स क्या होता है, कई प्रकार के, भालू जो है कई प्रकार का होता है। सम बियर क्लाइम ट्री, कुछ बियर जो भालू जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और मोस्ट बियर स्विम वेल, स्विम वेल मीन्स क्या होता है, अच्छे तैराक, स्विम वेल मीन्स होता है अच्छा तैराक, यानी कुछ जो है, मोस्ट अधिकांशतः भालू जो है अच्छे तैराक होते हैं, यानी पानी में अच्छे तैरने वाले होते हैं। दे ईट मैनी थिंग, वे बहुत सारी वस्तुओं को खाते हैं। दे ईट मैनी थिंग, वे बहुत सारी वस्तु खाते हैं, जैसे जैसे कि आपका फिश, इंसेक्ट, हॉनी, बर्ड्स, ग्रास, फ्रूट एंड सो ऑन, और भी, यानी वे बहुत सारी वस्तु खाते हैं, जैसे मछली, कीड़े मकोड़े, शहद, चिड़िया, घास, फल और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पोलर बियर, पोलर बियर मीन्स होता है ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, जहाँ ध्रुव होता है, जहाँ पर सिर्फ बर्फ रहता है, तो उनको पोलर बियर कहते हैं, ध्रुवीय भालू। आर वाइट, पोलर बियर क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ध्रुवीय भालू सफ़ेद होते हैं। दे मैच द आइसलैंड, वे आइसलैंड से, यानी जो बर्फीली भूमि होती है उससे मैच करते हैं। वेयर दे लिव, जहाँ वे रहते हैं, यानी वे जहाँ रहते हैं उसकी भूमि से, उसके आइसलैंड से वह मैच करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये जहाँ पर रहते हैं, यानी इनका आइसलैंड जो है, यानी जो भूमि जो है बर्फीली है, और उसी टाइप का भालू भी है, तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। और देखिए ये ब्लैक बियर है, ये काला भालू, काला भालू जो हमारे यहाँ दिखाई देता है कभी कभी, हमारे यहाँ भी सर्कस वगैरह में आप देखे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, कोलाज आर नॉट बियर, कोला जो है बियर भालू नहीं है, ये कोला है जो भालू, ये भालू नहीं है। दे आर मोर लाइक कंगारू, यह अधिकांशतः जो है, अधिकतर जो है कंगारू जैसे ही दिखता है, यह अधिकतर जो है कंगारू जैसे ही रहता है। कोलाज एंड कंगारू कैरी देयर बेबी इन ए पाउच, कोलाज और कंगारू जो है अपने बेबी को
पाउच में लेकर के घूमते हैं, यानी पाउच का मतलब पैकेट, जो उनके पेट पर एक थैला बना रहता है जिसमें अपने बेबी को रख करके वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं यानी घूमते रहते हैं। वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं घूमते हैं बल्कि अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखकर ही घूमते हैं। कौन? कोलाज एंड कंगारू कैरी देयर बेबी, अपने बच्चों को ढोते हैं इन ए पाउच यानी अपने पॉकेट में। दे ईट प्लांट्स, वे पौधों को खाते हैं, ठीक है, वे क्या खाते हैं, पौधों को खाते हैं। इस प्रकार बेटा आपका जो है सेकेंड पार्ट समाप्त होता है।